Honorable Chief Guest of this ceremony, Shri Vivek Pandey ji, an IFS officer and a close associate in the journey of Dikshant, all the dignitaries from respective schools, dear parents, and above all the teachers, staff, and students. As the name suggests, Kathanak, so I'll share a few stories with you today, and maybe I would want, because this is the time that you want to see the performances of your kid, but then once you go back home, reflect upon these stories as well. So let's start with a video. एक दिन यहां से बहुत कुछ दूर दिल और दुनिया के बीच अपने हीरो को एक साथी मिला। साथी ने कहा हाय, हीरो ने कहा हेलो। साथी ने कहा क्या हाल चाल, सब ठीक? हीरो ने कहा फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? साथी ने कहा यार तुम ऐसे क्यों बात करते हो? कैसे? ऐसे मशीन वाली आवाज में। क्या मतलब? मतलब ये कि जो, अरे रुको, जा कर रहे हो? मैं रुक नहीं सकता, रुकूंगा तो मर जाऊंगा। मर जाऊं? मैं रेस में भाग रहा हूं। ओके, तो कौन सी रेस है? मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते कौन सी रेस है, तो भाग क्यों रहे? क्योंकि सब भाग रहे हैं, इसलिए मैं भी भाग रहा हूं। अच्छा छोड़ो, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है कौन सी रेस है, जब तक जीत रहे हैं। फर्स्ट तो आते हो ना रेस में? नो। सेकंड? नो। थर्ड? नो। अबे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, यानी कि बीच में कहीं आती हूं इस रेस में, बीच वाले हो तुम। हाँ मैं मीडियोकर हूं, आम आदमी, रेगुलर, ऑर्डिनरी। बड़ा प्राउड फील कर रहे हो यार मीडियोकर बन के, हैं? मगर मैं एक बात कहूं दिल से, मुझे नहीं लगता कि तुम ऑर्डिनरी हो। अरे तुम्हारे साथ होती हूं तो मैं स्पेशल हो जाती हूं यार, तो सोचो तुम क्या हो गए। मैंने ना लाइफ में तुम जैसा नहीं देखा। तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम कुछ हो, मतलब स्पेशल हो? सॉरी रॉन्ग नंबर। ऐसा कैसा हो सकता है, कभी किसी ने नहीं कहा तुम्हें? यह सुनकर हीरो को कुछ याद आता है और वो कहता है हां एक था जो कहता था कि मैं स्पेशल हूं। कहता था ना कोई? कौन था वो? बचपन, मेरा बचपन। भन्न उठाए टसने को तैयार, हम तो बड़े होते ही मार डाले उसको, कुचल दिया जमीन पे, ऐसे पांव रखे उसकी गर्दन पे और दबा दिए साले को। मर गया बचपन। अब ठीक है, अब कोई नहीं कहता कि मैं स्पेशल हूं, अब मैं आराम से अपनी जिंदगी जी सकता हूं। वॉक स्टॉप स्माइल प्लीज, ऑर्डिनरी मीडियोकर। अरे क्या बकवास है यार, तुम गलती कर रहे हो। तुम खुद चूज करो ना अपनी रेस, फिर देख लेना फर्स्ट नहीं आए तो आसानी से फर्स्ट आओगे, गारंटी है। रुको नहीं, मैं रुक नहीं सकता। अरे देखो अपने आप को, पहचानो, एक दिन सारी दुनिया पहचानेगी तुम। कम ऑन आंखें खोलो। नहीं मैं आंखें नहीं खोलूंगा, नहीं रुकूंगा, इसी रेस में भागता रहूंगा, भागता रहूंगा, मीडियोकर बनूंगा, एवरेज, वॉक स्टॉप स्माइल प्लीज। और इस तरह अपना हीरो जिंदगी भर इसी रेस में भागता रहा। एक दिन यहां से बहुत कोस दूर दिल और दुनिया। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बना है जो आपके बच्चे की काबिलियत बता सके, वो सिर्फ नंबर बता सकता है।
और उन नंबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखना। सीखना कैसे सीखा जाए, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन। डेज ऑफ मगिंग अप व्हाट वाज रिटन, रिसाइटिंग टू टीचर्स एज ऑलरेडी टोल्ड एंड देन regurgitating in the examinations year after year are over. The truth is, creativity, attractive presentation, masters of issue you are thinking about, and the ability to convey them to others. Now there are five fundamental shifts in learning. From yes to why, from looking to learning to observe, from passive absorption to exploration, from textbook bound or internet hooked to hands-on, from fear to confidence. And what Google cannot tell you, I repeat again, what Google cannot tell you is what you need to master in school. So, dear partners, we are doing the same job. So, dear partners, don't teach children what to think, teach them how to think. What you need is not a well-filmed mind, not well-filled mind, shoved full of facts and figures, but a well-formed mind that relates to the problem that a real human being will face after leaving the school. Kuch dino pehle ek kahani padhi krantikari Ram Prasad Bismil ki. Us din kisi train se station pe gaadi pe chadne wale the aur पुलिस को कुछ सुराग मिला कि रामप्रसाद बिस्मिल जी आ रहे हैं, और उन्होंने पूरा का पूरा वो स्टेशन घेर दिया। एक ये हो सकता था कि वो वापस चले जाते, लेकिन नहीं, ऐसे कैसे गए, और कुली बिल्कुल ठाट बाट के साथ, रोबीली मूछे, हाथ में हंटर और कुली अटैची लेके, और पूरे स्टेशन पे पुलिस उन्हें ढूंढ रही है क्योंकि कोई उनका चेहरा नहीं जानता था। अचानक से कुली को एक झटका लगा, गिरा बैग, और बैग के गिरते ही जो सूटकेस था उसके अंदर से माउजर, उनका जो पिस्टल थी, वो बाहर आ गई। और ऐसी स्थिति में अगर वो घबरा जाते तो फिर क्रांतिकारी क्या। हंटर निकाला और लगे कुली को पीटने और बोले, अगर ये मेरा माउजर टूट जाता तो। और वो अंग्रेज ऑफिसर आया, आराम से उनका माउजर उस सूटकेस में डाला, उनको दिया कि आप चढ़िए, टेल ट्रेन जाने वाली है, और बड़े सम्मान के साथ उन्हें बिठाया। तो एक सवाल जो जब ये जहन में आता है कि जब शिकार को अपने हाथ में पाकर ये पुलिस ऑफिसर चूक कैसे गया, तो उसका उत्तर हम एक शब्द में पा सकते हैं, और वो शब्द है स्थिरता। स्थिरता यानी संकट का, चिंता का समय होने पर भी अपने मन को, विवेक को, सोच विचार की शक्ति स्थिर रखना। और संस्कृत में तो कहा भी गया है, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न ते चेतांसि त एव धीरा। अर्थात घबराहट का अवसर होने पर भी जिनके मन अस्थिर नहीं होते, वे ही वास्तव में धीर मनुष्य हैं। सो डियर पेरेंट्स, डियर पार्टनर्स, स्थिरता, संतुलन और धैर्य, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रियल लाइफ सिचुएशन जब क्रिएट होंगी, या तो स्कूल में या घर में, तभी हमारे जो बच्चे हैं, हमारे होनहार बच्चे हैं, वो यकीन मानिए सफलता के साथ साथ एक खुश और अच्छे इंसान बनके हमारे समाज में आगे आएंगे। और मैं तो सबसे यही कहता हूं कि सफर बड़ा आदमी बनने का नहीं है, सफर आदमी बनने का है। वो तो
दुर्भाग्य की बात है, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां शिक्षा को अंक से, सुंदरता को रंग से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। तो ये बदलेगा कौन? चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं ये दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल से। एंड स्कूल इज नॉट अ प्लेस टू ओनली स्टडी बट अ प्लेस टू ग्रो, प्लेस वेयर यू लर्न हाउ टू गेट अलोंग विद अदर्स, हाउ टू बिहेव विद एल्डर्स एंड यंगर्स, हाउ टू रिस्पेक्टफुली बट फॉर्मली एंड इंटेलिजेंटली क्वेश्चन टीचर्स, हाउ टू डील विद अथॉरिटी व्हेन इम्पोज्ड और व्हेन यू अक्वायर। एंड दीज एनुअल फंक्शंस और द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दैट अ स्कूल होल्ड्स, दैट इज द लॉन्च पैड फॉर लर्निंग द ट्रिक्स। वॉट बेस्ट वे देन द एनुअल फंक्शन ऑफ 2023 कथानक। इफ यू सी कथानक, इनिशियली वी हैड गणेश वंदना एंड हेलोइन, दैट इज ट्रेडिशन, परंपरा। देन वेरी सून यू विल सी वॉरियर्स ऑफ जॉय, द लास्ट प्ले, दैट इज मॉडर्न, आधुनिक। और बीच में 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ एक नाटक, अंधेर नगरी चौपट राजा, विच इज रेलिवेंट टूडे एज वेल, जो आज भी प्रासंगिक है। तो देखिए कितना बढ़िया समावेश है कि किस तरह परंपरा, आधुनिकता और प्रासंगिकता को साथ लेके चलेंगे। तो ये बच्चे आसमान की ऊंचाइयां छुएंगे और हम सबको गर्व होगा। एक गुरुजी से उनके अनुयायी ने पूछा, बजा सकते हो तालियां अगर आपका मन है तो। एक गुरुजी से उनके अनुयायी ने पूछा कि गुरुजी अगर एक अंधा है, नहीं, और एक गुरुजी से पूछा उन्होंने कि क्या आधुनिकता और परंपरा एक साथ चल सकती हैं? तो गुरुजी ने उससे उल्टा सवाल किया, बोले एक अंधा है और एक लंगड़ा है, दोनों को सड़क पार करनी है और ट्रैफिक बहुत है, तो कैसे कर पाएंगे? तो अनुयायी ने बोला कि गुरुजी अंधा लंगड़े को अपनी पीठ पे बिठा लेगा और वो रास्ता बता दिया जाएगा और सड़क पार हो जाएगी। गुरुजी ने कहा बिल्कुल ठीक, अंधा जो आधुनिकता है वो अंधी है और जो परंपरा है वो लंगड़ी है, और इन दोनों के मेल से ही ये रियलाइज करिए कि हम अपने। और एक चीज और जो उसमें मुझे लगी कि क्या वो सड़क जो हम पार कर रहे हैं वो हमें करनी भी थी या नहीं करनी थी? तो ये प्रासंगिकता है। तो आधुनिकता, परंपरा और प्रासंगिकता के साथ जो हम ये नींव रखने वाले हैं, जो ये छोटे छोटे पौधे बड़े होंगे, तो यकीन मानिए ये किसी परगत के पेड़ से कम नहीं होंगे। एंड एज द स्कूल लोगो गोज, इफ यू हैव सीन वी हैव अ लोगो विच अगेन इज आर पारंपरिक फाइव एलिमेंट्स, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, वरुण और जल। अब आगे पीछे हो सकता हूं, तो अगर आप देखेंगे वी हैव अ पंच लाइन बिलो दिस विच सेज रूट्स डीप एंड विजन स्काईवर्ड, एंड दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेइंग व्हेन आई वॉज अ किड व्हेन आई रेड। यू कैन गिव टू थिंग्स टू योर किड्स, वन द रूट्स टू स्टैंड एंड द सेकेंड विंग्स टू फ्लाई, एंड फॉर श्योर वी विल मेक इट हैपन, बट इट हैज टू बी टुगेदरनेस, अ यूनिटी। एंड वॉट वी आर डूइंग एट स्कूल आई वुड लाइक टू जस्ट सम अप इन फ्यू लाइन्स। सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं, नौसिकिया परिंदों को बाज बनाते हैं,
चुपचाप सुनते हैं शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनते हैं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाते हैं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और हम डूबती कश्तियों को जहाज बनाते हैं। बनाए बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज़े खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज़े खलीफा, अरे हम तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाते हैं, हम तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।